और केरल के कोची में बम विस्फोट हुआ है। धमाके में एक की मौत हो गई है, 20 लोग घायल हैं। कोची के कन्वेंशन हॉल में 5 धमाके लगातार हुए, प्रार्थना के दौरान ये धमाके हुए, ये जानकारी सामने आई है। एनआईए की टीम जांच के लिए कोची रवाना हो चुकी है। कोची ब्लास्ट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात सीएम विजयन ने कही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम से बातचीत भी की है और गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा भी यहाँ पर दिलाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कोची से, जहाँ अभी ये जानकारी सामने आ रही, एक बड़ा अपडेट है कि एनआईए की टीम फिलहाल जांच के लिए कोची रवाना हो चुकी है और जांच के बाद ही इस पूरे मामले पर कई सारे खुलासे होने की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के सीएम से फोन पर बातचीत भी की और हर संभव मदद करने का आश्वासन उन्होंने यहाँ पर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल आसपास दहशत का माहौल है इस बम धमाके के बाद से। तो कोची ब्लास्ट दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बात सीएम विजय ने कही और एक बार फिर आपको बता रही कि गृह मंत्री ने भी सीएम से बातचीत किया फोन पर, जिसके बाद उन्हें पूरे तरीके से मदद का आश्वासन गृह मंत्री ने उन्हें दिया है। फिलहाल बता रही कि आसपास दहशत का माहौल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि लगातार यहाँ पर धमाके हुए हैं, ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। और एनआईए की टीम जांच करने के लिए पहुंच चुकी है और जांच पड़ताल जो है वो भी अब शुरू हो चुकी है। तो तुरंत एनआईए की टीम को मौके पर सूचित किया गया, जिसके बाद टीम कोची के लिए रवाना हो चुकी है। साथ ही इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। सीएम विजय ने कहा कि ये पूरी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जैसे ही इस घटना की सूचना गृह मंत्री अमित शाह को लगी, वैसे ही अमित शाह ने केरल के सीएम से बातचीत की और उन्हें पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि आगे जिस भी तरीके की मदद की जरूरत पड़ेगी या फिर उन्हें लगेगा कि मदद की जरूरत है, तो वो तुरंत ही इस पूरे मामले पर उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से उनकी मदद करेंगे। तो केरल के कोची से सीरियल ब्लास्ट की खबर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बता दें आपको कि आसपास दहशत का माहौल भी है और लगातार यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। प्रार्थना के दौरान 2500 लोग यहाँ पर मौजूद थे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ प्रार्थना के वक्त मौजूद थी जब ये ब्लास्ट हुआ। और जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और एक की इसमें मौत भी हो गई है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर पूरी तरीके से आश्वस्त किया है सीएम को कि हर संभव मदद की जाएगी। फिलहाल एनआईए की टीम भी पहुंच चुकी है कोची, यानी कि रवाना हो चुकी है कोची के लिए और देखने वाली बात होगी किस तरीके से इस पूरे मामले पर टीम जाँच पड़ताल करती है और क्या खुलासे होते हैं। फिलहाल बता दें कि प्रार्थना के दौरान ये ब्लास्ट हुआ जब वहाँ पर 2500 लोग मौजूद थे, यानी कि भारी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी।